बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ कासिम सज्जाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट नंबर 7 ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स 8614 एंड द नेम ऑफ यूनिट नंबर 7 इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 6 लेक्चर्स इन प्रीवियस 6 सेशंस एंड 6 units, we talked about the importance of educational statistics, we talked about the characteristics of educational statistics and the worth and the uses of educational statistics, and we talked about the two areas of educational statistics. One is descriptive and one is inferential. In descriptive, we talk about the description of the data. When we have a data, we have to describe that data, we have to summarize, we have to make it understandable, then we will use descriptive analysis. And for that purpose, we will use mean, mod, median, standard deviation, range, central tendency. So these are the simple tests applied in descriptive statistics to make the data understandable and simple. Let me give you an example. ये मैं बार बार बता चुका हूँ, अगर मैं आपकी क्लास से ये पूछूँ कि आप लोग अपना जो वेट है, वज़न है, वो शेयर करें, तो आप लोग जो मेरे साथ शेयर करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ को, तमाम वेट को मैं ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ जब डिवाइड कर दूँगा, डैट विल बी द मीन, डैट विल बी द सेंट्रल टेंडेंसी, और रेंज ये होगी कि मैं आपकी क्लास का जो मैक्सिमम वेट वाला स्टूडेंट है वो वेट और जो मिनिमम वेट है उन दोनों को लेके मैक्सिमम में से जो मिनिमम को माइनस करूँगा तो जो वैल्यू आएगी डैट विल बी द रेंज। ठीक है, सो बाय डूइंग दिस वी विल डिस्क्राइब द डाटा, वी विल मेक इट अंडरस्टैंडेबल, वी विल मेक इट सिंपल, वी विल मेक इट रिप्रेजेंटेटिव। सो व्हेन वी गेट द मीन डैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट डाटा। तो जब हमें मीन निकाल लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस जो डाटा है उसका एक एवरेज क्या है और हम उस वैल्यू को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑन द अदर हैंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी यूज टू डाटा सेट, तो जब हम दो वेरिएबल्स लें या दो डाटा सेट लें और उनके दरमियान में डिफरेंस, एसोसिएशन, रिलेशनशिप या इफेक्ट देखना होता है, देन व्हाट वी डू, वी यूज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वी यूज टी टेस्ट, वी यूज अनोवा, वी यूज, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट, आइदर इट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वी विल टॉक अबाउट इट टू इन दिस सेशन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टूडे सेशन डैट इज टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। After completing today's session, student will be able to briefly explain correlation and uses of correlation. Write consideration in interpreting correlation. 3. Now formula is used to calculate Pearson correlation. Number 4. Now formula is used to calculate Spearman correlation. 5th. Able to understand the term regression. 6th. Explain the use of regression analysis. 7th. Write down the types of regression, and 8th and the last, mention p-value and interpretation of p-value. So aaj ke is session mein jo crux hai, that is you can see on your slide, on your screen, ki aapko correlation ka matlab pata hona chahiye, aap use explain kar sake, aap correlation istemal kar sake, aap usko interpret kar sake, aur फॉर डैट पर्पज आपको पियर्सन के कोरिलेशन के फॉर्मूला का भी पता होना चाहिए और उसे कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसी तरह स्पेयरमैन का कोरिलेशन का फॉर्मूला। देन यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म रिग्रेशन, देन आपको रिग्रेशन का मालूम होना चाहिए, रिग्रेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, और रिग्रेशन की 3 to 4 टाइप्स एंड वैल्यू, पी वैल्यू। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कोरिलेशन? अ कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two variables. The purpose of using correlation in research is to determine the degree to which a relationship exists between two or more variables. Correlation is important
in research because several hypotheses are stated in term of correlation or lack of correlation between two variables. So correlation studies are directly related to such hypotheses. तो बड़ा इजी है ये स्लाइड. आपको पता चल रहा है कि जब आपके पास दो वेरिएबल हैं और आपने उनके दरमियान रिलेशनशिप देखना है तो आप अप्लाई करेंगे कोरिलेशन. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल जो हम प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हैं, वंस अगेन आई वुड लाइक टू कोट दैट एग्जांपल टू यू पीपल. टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ कितना इंटरेक्शन है, उससे स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या असर पड़ता है. हमने इन दोनों फिनोमिनास, इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना है, देन वी विल यूज कोरिलेशन. ठीक है, तो इससे हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे. अगर नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो फिर हम जब कोरिलेशन अप्लाई करेंगे देन वी विल रिजेक्ट और एक्सेप्ट दैट हाइपोथेसिस. कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू मेजर एंड डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. These variables are neither manipulated nor controlled, that is important point. Rather, they simply are observed as they naturally exist in the environment. अब यहाँ पे एक difference आता है, एक फर्क आ जाता है, एक unique feature आ जाता है कि आप correlation को apply करने से पहले किसी किस्म की manipulation नहीं करेंगे. What is manipulation? Manipulation means you cannot change the environment or the factors. You will observe naturally the relationship between two groups will be observed naturally. No treatment or manipulation will ever happen during correlation. Suppose a researcher is interested in relationship between number of children in a family and IQ of the individual child. तो अब यहाँ पे वो दो ताल्लुक देखना चाह रहा है कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं या कितने उनके औलाद है, तो उसका उनके IQ के साथ क्या ताल्लुक होता है. तो यहाँ पे let's see. अब वो इंडिपेंडेंटली देख रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई पहले से हमें कुछ नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने से आईक्यू बढ़ता है या नंबर ऑफ स्टूडेंट के कम होने से आईक्यू कम होता है या बढ़ता है. लेट्स सी. ही वुड टेक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, देन ही सिंपली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड देन मेजर आईक्यू स्कोर ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट सेम ग्रुप. ठीक है, तो डिफरेंट बच्चों को लेगा, डिफरेंट फैमिली से आने वाले, और उनसे वो पहले तो पूछेगा कि वो कितने फैमिली मेंबर हैं, उसमें कितने सिबलिंग्स हैं. देन वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा आईक्यू लेवल को मेजर करने के लिए. तो वो इंडिविजुअल आईक्यू लेवल को देखेगा. ठीक है, नेक्स्ट ये वही स्लाइड है जो हम लोग पिछले चार सेशंस के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स में वन ग्रुप, टू ग्रुप एंड मोर देन टू ग्रुप्स. अगर आपके पास एक ग्रुप है तो आप उस पर वन सैम्पल टी टेस्ट लगाएंगे. अगर आपके पास दो ग्रुप हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं तो आप उन पर टू सैम्पल टी टेस्ट लगाएंगे. एंड अगर आपके पास दो ग्रुप हैं और वो पेयर्ड हैं तो आप उनके ऊपर पेयर टी टेस्ट लगाएंगे. और अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो आप वन वे अनोवा लगाएंगे. और अगर वो रिलेटेड हैं तो आप या पेयर्ड हैं तो आप उसके ऊपर रिपीटेड मेजर अनोवा लगाएंगे. सेम इन दी वे ऑर्डिनल डाटा है अगर आपके पास, तो हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन. हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस के अंदर आप दो डिफरेंट हाइपोथेसिस का आपस में फ़र्क देखते हैं कि इनके दरमियान क्या फ़र्क आ रहा है, दो डिफरेंट डाटा सेट के दरमियान डिफरेंस देखते हैं. जबकि एसोसिएशन में आप उनके दरमियान में एसोसिएशन देखते हैं. तो जब डिफरेंस देखना होता है सैंपल सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, जबकि हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस की जो दूसरी टाइप है जिसके अंदर सैंपल सिलेक्शन डिपेंडेंट होती है, तो आगे उनके टेस्ट बताए गए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड इन द लास्ट जिसमें एसोसिएशन देखनी होती है उसमें स्पेयरमैन लगाते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप, डैट इज वेरी सिंपल स्लाइड. इसमें हमने तीन से चार करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं. पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है, पहला करेक्टर ये है कि डायरेक्शन. हम कोरिलेशन के अंदर देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ, एक फिनोमिना की दूसरे फिनोमिना के साथ, एक कॉन्सेप्ट की दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ. सो हियर यू कैन सी ऑन योर स्लाइड, ऑन योर स्क्रीन, इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल टेंड टू चेंज इनटू सेम डायरेक्शन. व्हेन वेरिएबल एक्स इंक्रीजेस
the variable y also increases, and if the variable x decreases, the variable y also decreases. तो अगर आपको आसान अल्फाज में इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कहें, डैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड वी विल कॉल इट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो जब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो वो डायरेक्टली होंगे, एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी और एक की वैल्यू कम होने से दूसरे की भी कम होगी. जबकि नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की कम होगी. और इनको शो कैसे किया जाता है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसको पॉजिटिव के साइन से शो किया जाता है और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव से इंडिकेट किया जाता है. लेट मी रीड दिस स्लाइड फॉर यू पीपल. व्हेन द वेरिएबल एक्स इंक्रीजेस द वेरिएबल वाई डिक्रीजेस एंड इफ द वेरिएबल एक्स डिक्रीजेस द वेरिएबल वाई इंक्रीजेस द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप इज identified by the sign of correlation. A positive sign indicates positive relationship. A negative sign indicates negative relationship. Let's move to the next slide. Now we are going to talk about the second characteristics of the relationship, form of relationship. The form of correlation measures how well the data fit the specific form being considered. A linear correlation measures how well the data points fit on a straight line. तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि direction, कि data की direction क्या है, क्या वो positive है या negative है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या कम होता है. तो हमने positive या negative उसकी direction देख ली. अब हम form देख रहे हैं कि वो linear है या non-linear है. तो हम form of correlation को measure करेंगे. तो सेकंड लाइन बड़ी इजीली आपको क्लियर करती है. अ लीनियर कोरिलेशन मेजर्स हाउ वेल द डाटा पॉइंट फिट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप लीनियर कोरिलेशन मेजर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक ही लाइन में कितनी अच्छे अंदाज में डाटा फिट बैठ रहा है. जैसे आप ग्राफ बनाते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रख के तमाम तर जो आपकी वैल्यूज आती हैं उनके डॉट्स लगा के जब लाइन पास करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो लाइन जो तो डाटा है जो आपके पास है उस वो लाइन ऐसी लगाएं कि उस लाइन में से मैक्सिमम पॉइंट्स उसमें से पास करें. तो ये वो कॉन्सेप्ट है. थर्ड है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. कि आपने ये भी देख लिया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है और आपने ये भी देख लिया लीनियर है या नॉन लीनियर है. नाउ यू विल सी कि किस हद तक कितना ज़्यादा ताल्लुक है. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना मजबूत ताल्लुक है. The degree of relationship is measured by the numerical value of correlationship. This value varies from 1.00 to 1.00, minus 1.00. A perfect correlation is always identified by a correlation of 1.00. So, jo sabse acha, strongest correlation hoga, that will be shown by 1.00 and indicates a perfect fit. On the other hand, plus 1.00 will indicate perfect positive correlation and minus 1.00 will indicate perfect negative correlation. ठीक है, तो आपका अगर पॉजिटिव 1.00 होगा तो ये परफेक्टली पॉजिटिव और अगर नेगेटिव होगा तो परफेक्टली नेगेटिव. इन दैट केस इफ इट इज जीरो, अगर जीरो है, अ कोरिलेशन ऑफ जीरो इंडिकेट्स नो कोरिलेशन और नो फिट एट ऑल. तो मैं कहता हूँ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का स्टूडेंट अचीवमेंट पे क्या ताल्लुक है. तो जब मैं वैल्यूज निकालता हूँ कोरिलेशन की तो अगर वो आती हैं 0.97 या 1.00 प्लस 1.00, डैट मीन्स कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है. और अगर आती है माइनस 1.00 तो मैं कहूँगा उनके दरमियान में जीरो कोई सॉरी नेगेटिव रिलेशनशिप 100% है, कम्प्लीटली परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप. और अगर मैं कहता हूँ वैल्यू जीरो आती है मीन्स उनके दरमियान ताल्लुक ही नहीं है, कोई किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं है. ताल्लुक दो तरह के होंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो पॉजिटिव ताल्लुक है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है. और नेगेटिव तब होगा जब टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के बढ़ने से स्टूडेंट अचीवमेंट कम हो रही हो. ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. पियर्सन कोरिलेशनशिप, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोरिलेशन इज द पियर्सन कोरिलेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. तो इसका दूसरा नाम है जो एमसीक्यूज में अगर आ भी सकता है आपको पता होना चाहिए. वट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, या हम इस तरह भी कह सकते हैं वट इज़ द अदर नेम ऑफ पियर्सन कोरिलेशन. सो यू कैन से पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. इट मेयर्स द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो आप इसके अंदर
डिग्री के किस हद तक रिलेशनशिप है एंड द डायरेक्शन और कौन सा है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों देख सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। नाउ वी विल इंटरप्रेट द पियर्सन कोरिलेशनशिप। तो वो कहता है कि ये जब आप को पियर्सन कोरिलेशनशिप को इंटरप्रेट करते हैं तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, एक तो वो प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, एक वो वैलिडिटी में हेल्प करता है, एक वो रिलायबिलिटी में करता है और एक वो थ्योरी वेरिफिकेशन में करता है। लेट्स रीड द प्रिडिक्शन कि वो प्रिडिक्ट करके बताता है कि कितना असर है और कौन सा आपका जो एक वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। इफ़ टू वेरिएबल्स आर नाउन टू बी रिलेटेड इन सम सिस्टमैटिक वे इट इज पॉसिबल टू यूज वन वेरिएबल टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द अदर। तो आप अगर को पता है कोई ताल्लुक है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का स्टूडेंट के अचीवमेंट के साथ तो आप प्रिडिक्शन के लिए एक वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पियर्सन कोरिलेशन कैन बी यूज एज एन प्रिडिक्शन। सेकंड, वैलिडिटी। सपोज अ रिसर्चर डेवलप्स अ न्यू टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस इट इज नेसेसरी डैट ही शुड शो डैट दिस न्यू टेस्ट वैलिड एंड ट्रूली मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। वन कॉमन टेक्निक फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग वैलिडिटी इज टू यूज कोरिलेशन। तो आपको यहाँ पे वेरी मच क्लियर है कि आपको यहाँ से पियर्सन कोरिलेशन से, जैसे आप लोग इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हुए देखते हैं कि आया जो हमारा क्वेश्चनर है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो वही चीज़ मेजर कर रहा है जो उससे हम मेजर करवाना चाह रहे हैं, तो वो उस वैलिडिटी के लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एक रिसर्चर है वो वैलिडिटी को चेक करता है आपके डाटा की थ्रू पियर्सन कोरिलेशन। थर्ड इज रिलायबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम डिटर्मिनिंग वैलिडिटी अ कोरिलेशन आल्सो यूज टू डिटर्मिन रिलायबिलिटी। अ मेजरमेंट प्रोसीजर इज रिलायबल इफ इट प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट, ठीक है। तो आप अगर एक डाटा लेते हैं और उसको जब इंटरप्रेट करते हैं तो वो एक आपको रिजल्ट देता है। आफ्टर सम टाइम आप उसी डाटा पे दोबारा जब एनालिसिस करते हैं तो वो कुछ और रिजल्ट देता है, या आप जो डाटा दोबारा लेते हैं वो आपको कुछ और रिजल्ट देता है, डैट मीन्स कि वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी भी डाटा की रिलायबिलिटी भी पता चलती है थ्रू पियर्सन कोरिलेशन। इट मीन्स, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स अ रिलायबल मेजरमेंट प्रोड्यूस प्रोसीजर विल प्रोड्यूस द सेम स्कोर व्हेन द सेम इंडिविजुअल आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। आप एक इंडिविजुअल का डाटा लेते हैं, आप आफ्टर सम टाइम एक इंटरवल के बाद दोबारा उस सेम इंडिविजुअल से सेम क्वेश्चनर फिल करा के डाटा लेंगे तो अगर रिजल्ट सेम आते हैं डैट मीन्स रिलायबल है। थर्ड, थियरी वेरिफिकेशन। आप मोस्टली साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी थेरीज बना लेते हैं, जैसे मेरी थेरी है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा बढ़े उतनी ज़्यादा बच्चे की अचीवमेंट हाई होती है, ठीक है। तो वो आप वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू पियर्सन कोरिलेशन आया कि वो थेरी ठीक है या नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने वो फैमिली एंड आईक्यू वाला किया था, तो एक और मिसाल इस तरह ही लेते हैं यहाँ पे। मैनी साइकोलॉजिकल थेरीज मेक स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ थेरी मे प्रिडिक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन साइज एंड लर्निंग एबिलिटी। अब आपने एक थेरी बना ली है कि जितना आप दिमाग का साइज बड़ा होता है ना, बड़े सर वाले लोग, उनकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। बिटवीन द पेरेंट आईक्यू एंड द चाइल्ड आईक्यू एटसेट्रा इन ईच केस। अब वो कहता है पेरेंट आईक्यू जितना ज़्यादा होगा उतना बच्चे का आईक्यू ज़्यादा होगा, ये भी एक थेरी हमने बना ली। इन ईच केस द प्रिडिक्शन ऑफ द थेरी कुड बी टेस्टेड बाय डिटर्मिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्पीयरमैन कोरिलेशनशिप। स्पीयरमैन कोरिलेशन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ रिलेशनशिप। अब यहाँ तक हमने स्पीयरमैन पियर्सन पढ़ लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन को बात करते हुए वो बार बार पियर्सन को भी आपको बताएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो, आप इनके दरमियान डिफरेंस भी कर सकें। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ रिलेशनशिप इज द पियर्सन कोरिलेशनशिप बट इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज यूज्ड विद द इंटरवल और रेशियो डाटा। अब इसकी लिमिटेशन आ गई ना, एक तो ये सिर्फ बताता है कि किस हद तक रिलेशनशिप है और लीनियर है कि नहीं, और सेकंडली ये सिर्फ इंटरवल और रेशियो स्केल पे होता है, आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल पे ये इंप्लीमेंट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड मेजर्स ऑफ कोरिलेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर नॉन लीनियर। अब जो स्पीयरमैन है ये नॉन लीनियर के लिए भी है एंड फॉर द अदर टाइप ऑफ डाटा मीन्स नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल हो या नॉन लीनियर हो तो आप स्पीयरमैन यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास लीनियर और इंटरवल एंड रेशियो डाटा है तो आप लोग पियर्सन यूज़ करेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा,
वन लास्ट टाइम मैं रिपीट कर दूं, नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पियर्सन एंड स्पीयरमैन कोरिलेशनशिप। जो पियर्सन है वो लीनियर पे इम्प्लीमेंट होता है, लीनियर डाटा पे, लीनियर रिलेशनशिप पे, और वो होता है इंटरवल एंड रेशो पे। ऑन द अदर हैंड जो स्पीयरमैन है ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे और ये नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा पे इम्प्लीमेंट होता है। वन सच मेजर इज द स्पीयरमैन कोरिलेशनशिप। द स्पीयरमैन कोरिलेशनशिप इज यूज्ड इन टू सिचुएशंस, ठीक है। फिर वो दोबारा बताता है, पियर्सन कोरिलेशनशिप मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड द स्पीयरमैन कोरिलेशनशिप मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप। तो जो आपका स्पीयरमैन है वो सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि किस हद तक ताल्लुक है, ठीक है, वो ये भी बताएगा कि कंसिस्टेंसी कितनी है ताल्लुक के दरमियान। रिग्रेशन, आपको पियर्सन भी हमारा क्लियर हो गया और स्पीयरमैन भी क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिग्रेशन, कि जब ऐसा क्या मामला आता है डेटा में, ऐसी कौन सी तब्दीली, ऐसा क्या चीज़ आती है, ऐसा कौन सी खासियत करेक्टर आता है जिसकी वजह से हम उस पर स्पीयरमैन पियर्सन नहीं लगाते हैं, कोरिलेशन का टेस्ट नहीं लगाते हैं, हम रिग्रेशन लगाते हैं। क्यों? अ कोरिलेशन क्वांटिफाइज द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स रिलेटेड, इट डज नॉट। ये वो क्या वजह है कि आप कोरिलेशन नहीं लगा सकते, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट डज नॉट। कोरिलेशन क्या नहीं बताता, उसकी लिमिटेशन। इट डज नॉट फिट अ लाइन थ्रू द डाटा पॉइंट्स, इट डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता। इट डज नॉट मैटर विच ऑफ द टू वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड विच इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं बताता और वो कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं बताता। और इट डज नॉट फिट अ लाइन थ्रू द डाटा पॉइंट, तो ये वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनाता, ये नॉन लीनियर होगा। रिग्रेशन फाइंड्स द बेस्ट लाइन दैट प्रिडिक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिसीजन ऑफ विच वेरिएबल इज कॉज डिपेंडेंट एंड विच कॉज इंडिपेंडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर इन रिग्रेशन, एज इट विल गेट अ डिफरेंट बेस्ट फिट लाइन इफ वी एक्सचेंज द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको क्लियरली बता देगा कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, और एक बेस्ट फिट लाइन भी प्रोवाइड करेगा। अब मकासिद क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। द रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मीन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू एनालाइज रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज विद द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and to forecast or predict the value of dependent variable based on the values of the independent variable. तो यहाँ पे वो आपको relationship के साथ साथ ये भी बताएगा which one is dependent and which one is yes independent. और जैसा कि आप ये पिछली slide में भी पढ़ चुके हैं, वो independent और independent का भी बताएगा और ये भी बताएगा कि independent के change होने से dependent पे कितना असर होता है, कितना चेंज आता है। लेट मी रीड सेकंड पॉइंट फॉर यू पीपल। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिग्रेशन इज टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन अ रिस्पांस वेरिएबल एंड द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन। वेरी मच सिंपल, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिग्रेशन। यूजेस ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूज। Regression analysis estimates the relationship between two or more variables and is used for forecasting or finding cause and effect relationship between the variables. हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है, cause and effect भी बताएगा। There are multiple benefits of using regression analysis. It indicates significant relationship between independent and dependent variable. फिर वही बात। It indicate strength of impact of multiple variables on dependent variable. ठीक है, तो आप इसमें एक दो से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का स्टूडेंट की अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस पे क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पे दो आपके मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो असर जिन पे असर हो रहा है, किसका, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का, या आप
इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो ले सकते हैं और डिपेंडेंट एक ले सकते हैं, या दो ले सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हैं, ठीक है। अब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दीज स्लाइड्स आर वेरी मच सिंपल एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट आर डिफिकल्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू पीपल। सो इफ यू फाउंड एनी हर्डल, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड एनी वर्ड, एनी लाइन, एनी पैराग्राफ, एनी कॉन्सेप्ट, प्लीज drop the question in the comment so I could answer you. Drop the comment in the chat box so I could answer you people. Feel free to ask as many questions as you want to. It will be my pleasure to answer you people. Thank you. Types of regression. Now we will talk about types of regression. There are three basic type of regression: linear regression, logistic regression and polynomial regression. Linear regression, it is the most commonly used type of regression. In this technique, the dependent variable is continuous and the independent variable can be continuous or discrete, and the nature of regression line is linear. तो कह रहे हैं यहाँ पे जो dependent variable है वो continuous भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों की जो height है वो पूछता हूँ, आपकी height क्या है, तो वो एक continuous variable है। किसी की 5 फीट होगी, किसी की 5.1, 2, 3, 4, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। जबकि जो इंडिपेंडेंट है वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है। तो और उनकी जो नेचर होगी रिग्रेशन की वो लीनियर होगी। द लीनियर रिग्रेशन एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन लाइन। तो जब आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स को लेके उनके दरमियान में रिलेशनशिप देखते हैं और अगर आप उसको बेस्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर शो करते हैं, तो आप कौन सा रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं? लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग अ डेटा सेट इन विच देयर आर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट डिटरमिन एन आउटकम। The outcome is measured with the dichotomous, means binary variable. Like all regression analysis, the logistic regression is a predictive analysis. तो ये एक predictive analysis होता है, आपने predict करना होता है एक का दूसरे के साथ ताल्लुक किस तरह का है, ठीक है। और it is used to describe and explain a relationship between one independent binary variable and one or more nominal, ordinal, interval or ratio level इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आप इनमें से कोई भी चारों में से एक मेजर होगा जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक तरफ आपका डिपेंडेंट हो रहा होगा, और आप इन दोनों के दरमियान में एक्सप्लेन करेंगे रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज पॉलीनोमियल रिग्रेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई is modeled as an nth degree polynomial in x. This type of regression fits a non-linear relationship between the values of x with the corresponding value of y. Stepwise regression. It is a method of fitting regression model in which the choice of predictive variable is carried out by an automatic procedure. In each step, a variable is considered for addition or subtraction from the set of explanatory variable based on some pre-specified criteria. ठीक है, तो यहाँ पे stepwise चलते हैं और आप इस तरह के regression में add भी कर सकते हैं और subtraction भी कर सकते हैं variables की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम वेल एंड प्री सेट डिसाइडेड या प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। आपने पहले से सोच रखा है कि हमने ये चीज़ देखनी है, तो अगर उसके अलावा कोई चीज़ आती है तो आप क्या करते हैं, आप प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए वेरिएबल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी रीड द लास्ट पॉइंट फॉर यू पीपल। द जनरल आइडिया बिहाइंड दिस प्रोसीजर इज दैट we build our regression model from a set of predictor variable by entering and removing predictors in our model.
in stepwise manner until there is no justifiable reason to enter or remove anymore. ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप एक तो ये करते हैं और आप अपने रिग्रेशन मॉडल के अंदर वेरिएबल्स को एड और सेपरेट करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रीजन जस्टिफाइएबल. ऐसे ही मुंह उठा के नहीं करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कोई रीजन ना बच जाए और हमारा मॉडल मुकम्मल ना हो जाए. अप टू दैट पॉइंट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट स्पीयरमैन, पियर्सन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. वंस अगेन वी डिस्कस्ड अबाउट कोरिलेशन, पियर्सन, स्पीयरमैन एंड रिग्रेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पी वैल्यू. द पी वैल्यू इज द लेवल ऑफ मार्जिनल सिग्निफिकेंस विद इन अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ गिवन इवेंट. दिस वैल्यू इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू रिजेक्शन पॉइंट टू प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच द नल हाइपोथेसिस वुड बी रिजेक्टेड. तो बेसिकली ये वो वैल्यू है जो आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती है. तो ये एक आपको ऐसी वैल्यू दे देती है मिनिमम और मैक्सिमम जिसकी बेस पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं. ये आपको बेसिकली दो डिफरेंट डाटा सेट के दरमियान जो ताल्लुक है ना सिग्निफिकेंस, ठीक है, विजिबल जो ताल्लुक है जो फील किया जा सकता है उसकी एक वैल्यू देती है. अ पी वैल्यू इज यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू हेल्प रिसर्चर सपोर्ट मींस एक्सेप्ट या और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. इट इज एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस. तो ये नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक एविडेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, दैट इज पी वैल्यू. तो ये पी वैल्यू बताती है कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है. अ रिलेटिवली सिंपल वे टू इंटरप्रेट पी वैल्यू इज टू थिंक ऑफ देम एज रिप्रेजेंटिंग हाउ लाइकली अ रिजल्ट वुड अकर बाय चांस. और एक ये भी बताती है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है आपके पास उसमें आप एक तो कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आप कहते हैं कि जी मेरे 100 मार्क्स का मैंने पेपर किया है तो एक नंबर का मुझे डाउट है कि वो सही होगा या नहीं होगा, बाकी 99 मार्क्स मेरे बिल्कुल ठीक है. तो जो 99 मार्क्स हैं जिन पे आप 100% कॉन्फिडेंट हैं उनको छोड़ के बाकी जो मार्क्स हैं डैट विल बी कंसिडर्ड बाय पी वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पी वैल्यू दी जा रही है 0.01 जो ये शो करती है कि 99% रिसर्चर कॉन्फिडेंट है जबकि 0.01% जो है, सॉरी 0.01 वैल्यू शो करती है, जो 1% है वो क्या है आपका वेरी कर सकता है रिजल्ट. ठीक है, सो लेट मी रीड इट फॉर यू पीपल. हाउ लाइकली, सेकंड लाइन से पढ़ रहा हूँ, हाउ लाइकली अ रिजल्ट वुड अकर बाय चांस. बाय चांस कौन सा है, वो 1% है अगर वैल्यू 0.01 है. अगर 0.05 है तो आपके पास 5 टाइम्स आपका बाय चांस आ सकता है. हाउ लाइकली अ रिजल्ट वुड अकर बाय चांस फॉर अ कैलकुलेटेड पी वैल्यू ऑफ 0.01. वी कैन से दैट द ऑब्जर्व्ड आउटकम्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर बाय चांस ओनली 1 in 100. तो एक वैल्यू आपकी बाय चांस आ सकती है, 99% वही आएंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, सिमिलरली अ पी वैल्यू ऑफ 0.05 वुड रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स टू अकर बाय चांस ओनली 5 times out of 100 times इन रिपीटेड टेस्ट. अगर आपके माइंड में कोई सवाल आता है कि सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ये आप अगली स्लाइड में बड़ा क्लियरली समझ लेंगे. इन केस ऑफ पी वैल्यू 0.01 द रिसर्चर इज 99% कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सिमिलर रिजल्ट्स इफ सेम टेस्ट इज रिपीटेड फॉर 100 times. अगर आप एक टेस्ट को 100 दफा कंडक्ट करते हैं तो 99 times आपका सेम आने के चांसेस हैं, सेम आएंगे, एक दफा वेरी करेगा. ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ पी वैल्यू 0.05 द रिसर्चर इज 95% कॉन्फिडेंट एंड इन केस ऑफ पी वैल्यू 0.001 रिसर्चर इज 999% कॉन्फिडेंट गेटिंग सिमिलर रिजल्ट इफ सेम टेस्ट इज रिपीटेड फॉर 100 times एंड 1000 times respectively.
Now we will practice correlation analysis in SPSS. Suppose you want to find out if ये मैं आपको एक problem दे रहा हूँ, problem की पहले description दे रहा हूँ, फिर मैं problem दूंगा, then I will give you one null hypothesis, then एक data लेंगे, एक imaginary, फिर उसको हम SPSS में देखेंगे कि कैसे आप उससे correlation के test लगा सकते हैं. Suppose you want to find out if there is a relationship between the amount of water consumed and skin elasticity, ठीक है, rating. You select 5 participants. अब वो कहता है आप क्या करेंगे, दो variables को देखेंगे, दो चीजों को, दो concepts को, एक पानी intake, कितना पानी पीते हैं, और दूसरा skin elasticity. तो वो null hypothesis ये बनाएंगे कि जितना चाहे पानी पी ले उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्किन की इलास्टिसिटी के साथ. तो डेट मीन्स नल हाइपोथेसिस है ना, तो हमने यही बताना है कि कोई ताल्लुक नहीं है. तो हम जब क्वेश्चनर फिल कराएंगे, डाटा लेंगे, तो वो 1 से 10 तक हम रेटिंग स्केल देंगे फॉर स्किन इलास्टिसिटी. ईच पार्टिसिपेंट इज गिवन अ डिफरेंट अबाउट ऑफ वाटर एंड ईच आस्क्ड to rate their skin elasticity. Here are the data. You can see the how many glasses of water each participant drank and their personal rating of their skin elasticity. Problem kya hai? Humne isko topic kya banaya hai? Correlation of amount of water consumed with skin elasticity. Null hypothesis kya banayenge? HO, aapko pata hai null hypothesis ko hamesha HO se show karte hain, jabki alternative ko H1 se. There is no statistically significant correlation amount of water consumed and skin elasticity. Sorry, ये pronounce करने में थोड़ा issue हो जाता है. कुछ words ऐसे होते हैं जो आपको ना थोड़ा disturb करते हैं speed में पढ़ते हुए. तो ये आपके सामने data है. Participant 1, 2, 3, 4 और इन्होंने कितना कितना glass पानी पिया. पहले ने participant 1 glass, participant 2, 2 glass, participant 3, 3, participant 4, 4 glass, and 5, 5 glass. Now we will see the elasticity of these participants. Participant 1 showing 1 elasticity in the skin, participant 2 showing 4, participant 3 showing 6, participant 4 showing 7, and participant 5 showing 9. Now you can see we entered the data into the SPSS software. On variable 1 we can see water of glass. Glass water kitne piye pani ke glass 1 2 3 4 5. On the basis of these glasses we see took the data from the participant about skin elasticity. So you can see 1 4 6 7 and 9. Now we will apply correlation analysis. We will go into the bar of analysis, then we will move to the correlation and bivariate. Here you can see the results that will be shown on your screen if you apply that test on any data in SPSS. So here you can see the values, p-value, Pearson correlation and the significance and the total number. Now these are the values and how we will interpret there was a positive correlation between the two variables because of these values R 0.985 and total 5 and P is value of P is 0.002. So how I will report my results? A Pearson product moment correlation coefficient was computed to assess the relationship between the amount of water that one consumed and rating of skin elasticity. यहाँ तक उसने आपको question again repeat कर दिया कि हम देखने क्या जा रहे थे. There was a positive correlation between the two variables R 0.985 N 5 and P is equal to 0.002. A scatter plot summarized the result. Overall, there was a strong positive correlation between water consumption and skin elasticity. ज़ाहिर है इनके दरमियान ताल्लुक है. तो on that basis, increases in water consumption were correlated with the increases in rating of skin elasticity. तो जितना ज़्यादा पानी intake करेंगे, उतना ज़्यादा लचक आएगी.
So that slide is very much important, and I already told you people in the previous sessions that please keep it in your mind, these 7 steps, so you could perform research in a very fruitful and helping and simple way. Hypothesis testing, step 1, problem identification. Step 2, formulation of hypothesis. Step 3, defining population and sample. Step 4, selecting appropriate instrument. Step 5, collection of data. 6, analysis of data. And last, interpret results or make a decision. If you have any question, please ask me, drop it in the chat box so I could answer you people. Please ask me the questions as much as you want to. It will be my pleasure to answer you people. Once again, I will summarize in 2 lines what we discussed in this session. In the beginning, we talked about the learning objectives of this session, and we talked about correlation. Then we talked about Pearson, Spearman, and then we talked about regression, and we discussed the types of regression, and in the end we talked about p-value. And just keep it in your mind, p-value is used to understand that how much data or how much instrument is reliable, because if you are getting p-value 0.01, that means 99% researcher will be confident about the results. Results will be same, only 1% chance of variability. So these are the sources you can see on your slide. If you want to understand the further concepts regarding inferential statistics, association of test or test of association, these are some questions. You can take some time, you can write down these questions on your notebook, and you can answer all these questions by yourself. And if you are unable to answer any one of these questions, please ask me that question. Thank you. Jazakallah fi amanillah.